नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवगछिया के सैदपुर में मनरेगा कर्मी का संदिग्ध अवस्था में मिला शव, परिजनों ने जताई साजिश के तहत हत्या करने की आशंका। टीएनवी कॉलेज प्राचार्य मामले में पूर्व एसओ ने प्रभारी कुलपति पर लगाया गंभीर आरोप, जांच के लिए राष्ट्रपति और पीएमओ को लिखा पत्र। भागलपुर डीएम प्रणब कुमार ने नवाड की योजनाओं को लेकर की बैठक, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। पार्ट 3 परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाए जाने को लेकर छात्रों ने किया जमकर हंगामा, प्रशासनिक भवन को कराया बंद। और मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 क्विंटल गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। नवगछिया गोपालपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में मनरेगा में बीएफटी के पद पर कार्यरत गोलियारी निवासी जनार्दन सिंह के पुत्र ज्योति कुमार की मौत उनके आवास पर संदेहास्पद स्थिति में हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम को ज्योति अपने ऑफिस में हुए पार्टी से भोजन कर अपने घर आकर सो गया। सुबह जब वह नहीं उठा तो उसकी माँ उसे जगाने पहुंची तो ज्योति की मृत्यु हो चुकी थी और उसके मुंह से झाग एवं नाक से खून बह रहा था, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना गोपालपुर पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही गोपालपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेज दिया। मृतक के परिजन एवं साला कुमार राणा ने बताया कि मेरे बहनोई को साजिश के तहत पार्टी के दौरान भोजन में जहरीला पदार्थ मिलाकर मार दिया गया। को जानकारी मॉर्निंग में मिला कि मृत घोषित थे, मतलब जैसे मतलब स्टाफ को फोन लगाए ना तो वो सब बोले कि पार्टी साथी चला है, खाना पीना मतलब ऑफिस में ही खा पी के 8:30 बजे वहाँ से निकले तो घर आया। घर आया तो लमसम 9:45 बजे लमसम, तो उसके बाद घर में बैठा उठा जो पिताजी सबसे बातचीत किया होगा, उसके बाद सोने के लिए गया। मॉर्निंग में जैसे माँ हुआ ना तो 8 बज गया, 8 बज गया तो उसको खोल दरवाजा से खोला ना तो देखा मतलब 2-3 बार उसको हिलाया डलाया, मुंह से मतलब झाग निकल रहा, झाग निकल रहा था या जो भी मतलब उल्टी तुलटी हुआ था और नाक से थोड़ा ब्लड भी जा रहा था। भागलपुर टीएनबी कॉलेज प्राचार्य द्वारा 80 लाख रुपए की वित्तीय गड़बड़ी करने का मामला अब राष्ट्रपति भवन और पीएमओ पहुंच गया है। दरअसल 2 वर्ष पूर्व कॉलेज के ही पूर्व एसओ अमरेंद्र कुमार झा ने प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी पर 80,40,000 रुपए के गबन का आरोप लगाया था। वहीं प्राचार्य पर लगाए गए आरोप की जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी थी, जिसके बाद करीब 2 साल बाद कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट इसी वर्ष जून महीने में विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सौंप दिया। इधर मामला स्थिर पड़ता देख पूर्व एसओ अमरेंद्र कुमार झा ने इसकी शिकायत राजभवन से की, जिसके बाद राजभवन ने मामले को संज्ञान में लिया और विश्वविद्यालय प्रशासन से रिपोर्ट तलब किया। साथ ही प्राचार्य के ऊपर की गई कार्रवाई की सूचना आवेदक अमरेंद्र झा को भी देने का आदेश दिया, लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इसकी सूचना आवेदक को नहीं दी। वहीं जांच कमेटी के संयोजक सह विश्वविद्यालय के वित्तीय परामर्शी पद्मकांत झा ने पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। इधर टीएमबीयू की ओर से प्राचार्य डॉक्टर संजय चौधरी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट राजभवन भेजे जाने के बाद अमरेंद्र कुमार झा ने विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व एसओ ने कहा कि जिस प्राचार्य पर 2 कॉलेज में वित्तीय अनियमितता का आरोप है उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट 5 विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति के लिए राजभवन कैसे भेजी जा सकती है। अमरेंद्र झा ने कहा कि अगर कुलपति या प्रतिकुलपति के लिए डॉक्टर संजय चौधरी का इंटरव्यू हुआ तो वह विश्वविद्यालय परिसर में आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। कि हमारे पूर्व कुलपति महोदय का आदेश निकल चुका है कि प्रिंट मीडिया और किसी को भी न्यूज़पेपर एजेंसी वगैरह को जो भी सूचना देनी है वो सिर्फ पीआरओ को थ्रू ही दिया जाएगा, इसलिए हम इस संबंध में कुछ नहीं बता सकते हैं। मेरे मामले में जब मैंने संजय चौधरी की शिकायत की राजभवन में तो वहाँ से पत्र अपर सचिव का आया 22 जून को और वो 60 दिनों से पड़ा हुआ है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन संजय चौधरी के परफॉर्मेंस रिपोर्ट को लेकर के 20 अगस्त को पत्र आता है तो उस पर कार्रवाई होती है। और ये जानते हुए कि कुल सचिव ने जो वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए थे उस मामले में सारे क्लियर प्रस्ताव दिए थे, उसके बाद भी आखिर क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिया कुलपति ने, इसे उसके पीछे क्या राज है, वो छुपाना क्यों चाहते हैं।
भागलपुर जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में बुधवार को डीएम प्रणब कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित योजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही केंद्र सरकार की योजना कृषि आधारभूत संरचना नीति एवं कृषि उत्पादक संघ की योजना को सुचारू ढंग से पूरा किए जाने को लेकर डीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। डीएम ने बताया कि नाबार्ड के अंतर्गत चलाई जाने वाली सभी योजनाओं की संचालन के लिए जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, जिसके सचिव डीडीएम नाबार्ड होंगे। साथ ही कहा कि नाबार्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लोगों को तेजी से मिल सके यह सुनिश्चित किया जाएगा। भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और वोकेशनल कोर्स के छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया। वहीं अपनी मांगों के समर्थन में छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय को बंद करा दिया। इस दौरान छात्रों ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की और मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी। करीब 2 घंटा बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो छात्रों ने विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी को प्रशासनिक भवन से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों को बैकफुट पर आना पड़ा। वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुश पांडे, करण शर्मा, कुणाल पांडे और रवि भूषण ने बताया कि पार्ट वन के प्रमोटेड छात्र को पार्ट थ्री के लिए परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जाना उचित नहीं है। डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह ने बताया कि कुल सचिव कर्नल अरुण कुमार सिंह से वार्ता होने के बाद छात्र हित को ध्यान में रखते हुए मंगलवार तक फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। यहाँ पर पार्ट वन एवं पार्ट टू के छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया जा रहा है और पार्ट थ्री की परीक्षा ली जा रही है, लेकिन वैसे छात्र जिनका पार्ट वन एवं पार्ट टू में किसी कारणवश विश्वविद्यालय की गलती हो या छात्र किसी कारणवश प्रमोटेड हुए हैं उनको पार्ट थ्री का फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा। छात्रों के एक कन्फ्यूजन था कि ये जो परीक्षाएं हैं नहीं ली जाएगी, पार्ट वन से पार्ट टू में पार्ट थर्ड में प्रमोशन दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसी बातें हुई नहीं है। सिर्फ हुई है कि क्लास के लिए उसको प्रमोट कर दिया गया। मुंगेर एसपी लिपि सिंह के निर्देश पर गठित टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को 2 क्विंटल गांजा बरामद किया है। पकड़े गए गांजा की अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल असम के गुवाहाटी से तस्करी कर गांजा की बड़ी खेप लाए जाने की गुप्त सूचना एसपी लिपि सिंह को मिली थी, जिसके बाद गांजा तस्करों की गिरफ्तारी के लिए तारापुर एसडीपीओ पंकज कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने लखनपुर के समीप ट्रक की तलाशी ली। इस दौरान ट्रक में बने गुप्त चैम्बर से 32 पैकेट गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक नीतीश कुमार राय, स्वदेश घोष और खलासी मुनेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तस्करों ने बताया कि वैशाली जिला का सुजीत राय गांजा तस्करी के नेटवर्क को संचालित करता है और गांजा की डिलीवरी वैशाली में होनी थी, लेकिन इसके पूर्व ही पुलिस ने तस्करों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। शिकायत या सुझाव 1950 चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर।
ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में आयोजित नीट और जी मेंस की परीक्षा के दूसरे दिन बुधवार को भागलपुर में भी छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम में हिस्सा लिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित मेडिकल और इंजीनियरिंग की जांच परीक्षा को लेकर NTA ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक इंतजाम किए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, जबकि पीने का पानी लाने की अनुमति छात्रों को NTA ने दी है। वहीं परीक्षा को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखा गया। परीक्षा के बाद छात्रों ने कहा कि टेस्ट के दौरान सेंटर पर कोरोना से बचाव से संबंधित पर्याप्त तैयारी की गई थी, जबकि सवालों की बात की जाए तो कुछ सवाल काफी कठिन मिले, लेकिन लंबे समय के बाद परीक्षा में शामिल होकर छात्रों को काफी राहत मिल रही है। शारदा भारती है और हम यहीं के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, भागलपुर से है। और अंदर का व्यवस्था बहुत अच्छा था, जितने भी मतलब हम लोग को हर कुछ प्रोवाइड करा गया। सेंटर में मतलब सैनिटाइजर का व्यवस्था वगैरह सब कुछ सही था। वहाँ सैनिटाइज के लिए मतलब अलग कॉर्नर डिफेंस बना हुआ था ब्रेंच के बीच में। भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र दरियापुर गांव में
एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ है। मृतक महिला की पहचान मंडल टोला निवासी स्वर्गीय उधो मंडल की 55 वर्षीय पत्नी टंकी देवी के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतका के पुत्र मुकेश ने बताया कि मंगलवार की दोपहर मां उमेश यादव के खेत में काम करने गई थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी, जिसके बाद उसकी काफी खोजबीन की गई पर उसका कोई पता नहीं चल पाया और अब बुधवार की सुबह खेत से उनका शव बरामद हुआ है। मुकेश ने कहा कि थाना को घटना की सूचना देने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बेटे ने गांव के कुछ दबंगों द्वारा मां की हत्या करने की आशंका व्यक्त की है। खेत से एक से डेढ़ किलो मतलब एक से डेढ़ सौ मीटर मतलब बिहार विधानसभा चुनाव और पर्व त्योहार को देखते हुए भागलपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। एसएसपी आशीष भारती ने प्रथम चरण में जिले के 9 थाना क्षेत्र के 46 अपराधियों के खिलाफ सीसीए लगाए जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा है, जबकि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से अब तक 200 से अधिक अपराधियों को चिन्हित कर सीसीए लगाने की तैयारी कर ली गई है। चिन्हित 46 अपराधियों में सबसे अधिक लोदीपुर थाना क्षेत्र से 10, सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से 8, सजौर थाना क्षेत्र से 7, पीरपैती थाना क्षेत्र से 6, सबौर एवं जगदीशपुर थाना क्षेत्र से 4 और शाहकुंड थाना क्षेत्र से 3 अपराधी शामिल हैं। भागलपुर डीआरडीए भवन में लोगों की सुविधा और जरूरत को ध्यान में रखते हुए आधार कार्ड बनाने की शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन इसके लिए पर्याप्त काउंटर नहीं लगाया गया है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आधार बनवाने आए लोगों ने कहा कि कई दिनों से आधार कार्ड के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एक दिन में 25 लोगों का कार्य करने की बात कहकर काउंटर से लौटा दिया जाता है। साथ ही लोगों ने कहा कि पहले तो नंबर लगाने के लिए सुबह आना पड़ता है और उसके बाद भी काम के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। लोगों ने कहा कि बार बार आने में किराया लगता है और परेशानी अलग होती है। वहीं आधार काउंटर के कर्मी ने कहा कि कोरोना के कारण एक दिन में 25 लोगों का कार्य करने का निर्देश दिया गया है। आप 5 बजे सुबह बुलाते हैं और 11 बजे तक इंसान खड़ा है, भूखा है, प्यासा है, कैसे रह रहा है, उसके लिए कुछ नहीं। आप बोल रहे 25, मैं कह रहा हूँ 25 ही आप बना के भेजो ना, लेकिन डेली बाई डेली उसी को रूल पे अदा कीजिए। जो बंदा आज आप घुरा रहे हो फिर आप कल नहीं घुमाओ तब तो समस्या यही है कि यहाँ पे डेली 400-500 लोग आते हैं नंबर लाने के लिए और एक आदमी में कम से कम 15 मिनट लगता है। अगर 8 घंटे ड्यूरिंग में अगर हम ड्यूटी करते हैं तो कितने लोग का 40 लोग का बनेगा, तो उसमें हम लोग 25 नंबर लगाते हैं कि बीच बीच सर्वर को बंद करना पड़ता है कि वो सर्वर डाउन हो जाता है। कोरोना महामारी को लेकर रेलवे द्वारा ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगाए जाने के बाद से लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे इंतजार के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग की जांच परीक्षा को लेकर 2 सितंबर से बिहार में 29 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया, लेकिन इस 29 जोड़ी ट्रेन में एक भी ट्रेन भागलपुर के लिए नहीं थी, जिससे भागलपुर के छात्रों के साथ लोगों में काफी मायूसी छा गई है। एक बार फिर से सरकार और रेलवे ने भागलपुर की उपेक्षा की, जिसको लेकर जिलेवासियों में असंतोष का माहौल बनने लगा है। हम आपको बता दें कि रेलवे के अनुसार 15 सितंबर तक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाना है, जिसमें 9 इंटरसिटी और 20 DEMU एवं MEMU ट्रेन शामिल है। भागलपुर SSP कार्यालय में बुधवार को पुलिस कप्तान आशीष भारती ने CTDSP राजवंश सिंह को बुके और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। SSP ने भागलपुर के DSP राजवंश सिंह द्वारा की गई सेवा की सराहना की और कहा कि सरकारी सेवा में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जारी रहती है। वहीं CTSP सुशांत कुमार सरोज ने भी DSP राजवंश सिंह को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया और आगे की सेवा के लिए शुभकामनाएं दी। CTDSP राजवंश सिंह ने भी SSP, CTSP समेत सभी DSP थानाध्यक्षों एवं पुलिसकर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि भागलपुर की जनता का जो प्यार उन्हें मिला है उन्हें वो कभी नहीं भुला सकते। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवगछिया के सैदपुर में मनरेगा कर्मी का संदिग्ध अवस्था में मिला शव, परिजनों ने जताई साजिश के तहत हत्या करने की आशंका। TNV कॉलेज प्राचार्य मामले में पूर्व एसओ ने प्रभारी कुलपति पर लगाया गंभीर आरोप, जांच के लिए राष्ट्रपति और PMO को लिखा पत्र। भागलपुर DM प्रणब कुमार ने नवाड की योजनाओं को लेकर की बैठक, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। पार्ट 3 परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाए जाने को लेकर छात्रों ने किया जमकर हंगामा, प्रशासनिक भवन को कराया बंद। और मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 क्विंटल गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।